नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ले चल रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। तो इस समय मैं मुंबई की लोकल से में जा रहा हूँ अंधेरी टू चर्चगेट। तो आज का नज़ारा कुछ खास ऐसे है और ये मुंबई लोकल हमारी, और खास आपको दिखाता हूँ मुंबई लोकल ट्रेन। यह है मुंबई की फेमस लोकल ट्रेन, यहाँ पे डेली कम से कम लाखों लोग ट्रेवल करते हैं डेली, और बहुत ही मतलब टिकट काफ़ी फेयर है और बहुत जल्दी, मतलब अगर आपको दूर दूर जाना होता है तो बहुत जल्दी कम टाइम में पहुँच जाते हैं, और यह है कि यहाँ भीड़ बहुत रहती है यहाँ पे। और मुंबई लोकल का कुछ अंदर का कुछ इस तरह का सीन है। आज तो ड्यूटी संडे है तो इसलिए बहुत भीड़ बिल्कुल नहीं है, नहीं तो भीड़ इतना रहती है यहाँ पे कि आप चढ़ नहीं पाएंगे। तो कुछ इस तरह का सीन है। एक और सीन है, आप गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए जो है जैसे चर्चगेट स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे टैक्सीज और बसेस लगी रहेंगी। बेसिकली हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सीधा बस पकड़ें, और एसी बसेस जो का किराया 6 रुपये है, चर्चगेट से सीधा गेटवे ऑफ इंडिया पे ले जाकर उतारेगी। तो गाइस इसमें उसी बस में हूँ और जा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया, और आपको दिखाऊंगा कि आज का क्या नज़ारा है। वेलकम दोस्तों, हम लोग इस समय मेरे जस्ट पीछे जो है ये बिल्डिंग जो दिख रही है वो ताज होटल की है, पीछे जो है ताज होटल है। तो कुछ इस तरह की भीड़ है, संडे है आज, और संडे को तो ऑब्वियसली भीड़ रहती ही है। बट यह है कि बहुत फेमस जगह में से एक है मुंबई, यहाँ बहुत लोग टहलने आते हैं। देखते हैं आज का व्यू और आपको भी दिखाते हैं कैसा सीन है। तो बेसिकली गाइस यहाँ से जस्ट एंट्री होती है, और तो गाइस जैसे ये एंट्री का गेट है, एंट्री होने के बाद जस्ट हम लोग अंदर जैसे एंट्री करेंगे तो इसमें गाइस जस्ट मेरे सामने जो है गेटवे ऑफ इंडिया आ गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया कितना सुंदर दृश्य, कितना अच्छा दृश्य है गेटवे ऑफ इंडिया का। और बस तो 2 मिनट के लिए मैं आपको कैमरे को टर्न करता हूँ और आप गेटवे ऑफ इंडिया को आपका नज़ारा दिखाता हूँ। ये गाइस जस्ट मेरे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया है, और बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही विहंगम दृश्य। मैं आपको पूरा एक बार घूम के जस्ट ये गेटवे ऑफ इंडिया, मेरे जस्ट पीछे जो है वो ताज होटल है। सीन बहुत मस्त, सब कुछ अच्छा है भाई लोग, मुंबई की सबसे फेमस जगहों में से एक है। तो घूमो, ऐश करो, मज़े करो, चिल करो, और मैं आपको फिर अभी से दिखाता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया का। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया, गेटवे ऑफ इंडिया का जो है फ्रंट व्यू कुछ इस तरह दिखता है, और अच्छा सुंदर दृश्य और दिस और ये पब्लिक। तो मुंबई की सबसे फेमस जगहों में से एक, फेमस अट्रैक्शंस में से एक, और बहुत ही सुंदर दृश्य। ये अपना ताज होटल है, दुनिया इंडिया का सबसे फेमस होटल। और भाई उसके बाद ये कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा। बस मैं आपको फिर ले चलता हूँ, जस्ट आपको थोड़ी इधर से दिखने वाला समुद्र को दिखाता हूँ कितना अच्छा लगता है ये। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया नज़दीक से कुछ इस तरह से दिखता है, और इसके जस्ट बीच से उसके जस्ट गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट उस पार समुद्र है। बेसिकली हम कहेंगे कि इंडिया की शुरुआत यहीं से हुई, लाइक जब समुद्र क्रॉस होता है तो ये आप इंडिया में आ जाते हैं, और ये है उस गेटवे ऑफ इंडिया जो कि इंडिया में एंट्री करा देता है आपको। और यहाँ की आप पब्लिक देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर लोग, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग, फेमस अट्रैक्शंस में से एक है ये। सब लोग यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं, इस कैमरे इस लम्हे को कैद कर रहे हैं, और देख पा रहे हैं कि क्या क्या सीन है। ये गेटवे ऑफ इंडिया का अंदर का दृश्य है, और अंदर से गेटवे ऑफ इंडिया कुछ इस तरह से दिखता है। या तो दोस्तों एक और सीन है, तो यहाँ से जस्ट आप जाएंगे नीचे, तो ये यहाँ पे मेन और एक सबसे ज़्यादा बड़ा अट्रैक्शन है बोट राइडिंग का। अगर आप बोट राइडिंग करना चाह रहे हैं तो एक बार ज़रूर जाएँ समुद्र में, और बोट राइडिंग का पूरा आनंद लें। तो वाटर और जस्ट बोट राइडिंग से आपको पूरा मुंबई का एक अच्छा सा दृश्य दिखेगा, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने समुद्र है, और उस समुद्र के में पूरा सा एक अच्छा सा दृश्य है और खूबसूरत। अगर आपको बोट राइडिंग करनी हो तो बहुत ही मस्त नज़ारे, एक से बढ़ के एक
और जैसे शाम हो रही है उसके बाद का ये दृश्य ताज होटल का। अच्छा, ताज होटल से जस्ट नीचे आपका सूर्य डूब रहा है और कुछ ड्रम बजने लगा और ड्रम की बजने की आवाज़ आ रही, शायद कुछ सीन है यहाँ से दूरबीन का। आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत सुंदर दृश्य। तो दोस्तों मैं एक बार रिकमेंड करूँगा कि आप गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई आएँ तो गेटवे ऑफ इंडिया ज़रूर देखने आएँ। ताज होटल की सुंदरता ही अद्भुत है। और अभी क्या, अब ये ड्रम की आवाज़ सुनाई दे रही, शायद कहीं ड्रम बज रहा है या इस इंडिया के अंदर ही गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर ही ड्रम बज रहा है। तो बिल्कुल अद्भुत दृश्य। और एक और चीज़ आए, आप बोट राइडिंग का मज़ा ज़रूर लें। यहाँ पे बोट पे बैठकर पूरा एंजॉय करें, मुंबई का सीन देखें और मस्त मौज मज़े लें। पेट्रोल शिप है एसीआई का, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इधर भी एक लाइट हाउस है, डॉल्फिन नाम का टावर, व्हाइट कलर का। पीछे वाला क्या आ गया? तो ड्रेज पीछे वाला ड्रेजर है, नीचे नहीं रहता। आगे वाला लाइट हाउस, इधर एक टैंकर है तेल का, जो एसआर गुजरात का नाम सुना आपने, एसआर ऑयल पिंक वाला। पिंक इधर ऑयल ड्रिक है, समुद्र से तेल लिखा था, कच्चा तेल खुद ऑयल लिखा था, वही इंग्लिश सागर किरण नाम का रिक वही इंग्लिश। क्या ये ऑयल ड्रिक है? ऑयल ड्रिक समुद्र से पेट्रोल लिखा। इधर इधर भी एक टैंकर है, इधर एक बल्क शिप है, बल्क है, चार पांच क्रेन। इधर इधर देखो बहुत है। और क्या है? बहुत है, अभी एलिफेंटा तक दिखाएगा। ये फायर बोर्ड है, दिखाओ सीधा। देखो इधर देखो, ये देखो ये माउंटेन दिखा था एलिफेंटा साइड। दोस्त 200 रुपया टिक लगता है, केव से अजंता टाइप की मूर्तियाँ सुबह 9 बजे से। इधर है, इधर है वो एलिफेंटा। देखो ये पहाड़ दिखता है, पहाड़ एलिफेंट शेप में, वही एलिफेंटा है। एलिफेंटा है हाँ, ये उरन है। देखो इधर का ना, नहीं इधर का, उधर आप मोबाइल में किधर है? इधर है, इधर किधर है? मोबाइल में सर्च मार देख, अगर उधर नहीं हुआ तो हारता है मोबाइल, हारता नहीं तो मैं। गेटवे ऑफ इंडिया का खूबसूरती कुछ हम इस तरह कैमरे में कैद करते हुए ये, और जस्ट आपको ज़मीनी स्तर से हम आपको दिखा रहे हैं पूरा विहंगम दृश्य। अगर आपको ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, यहाँ से इतिहास से जुड़ी कई चीज़ें हैं। यहाँ पर क्रूड पेट्रोल ऑयल और क्रूड ऑयल जो है यहाँ के जस्ट यहाँ के पास से ही समुद्र से आता है, तो ऐसा ही सीन। और मस्त दृश्य, कपल फोटोग्राफी चल रही है कहीं ना कहीं, सब अच्छे जा रहे हैं और अच्छे से दृश्य, सब कुछ कैमरे में कैद होता हुआ अंशुमान भाई के। और अच्छा सर दृश्य। सो गाइस हम लोग फाइनली पूरा घूमने के बाद जस्ट एग्जिट की तरफ जा रहे हैं और आपको पूरा टूर दे दिया है आज आपने। तो जस्ट आप इंजॉय कीजिए ब्लॉग को और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अंशुमान यादव। थैंक यू गाइस। तो दोस्तों हम इस टाइम पे मरीन लाइन पहुंच गए हैं और आपको दिखाते हैं मरीन लाइन का बहुत ही खूबसूरत व्यू। मरीन लाइन कुछ इस तरह दिखता है, मजा बहुत सुंदर और अच्छा। दिस इज मरीन लाइन। आउट ऑफ इंडिया होगी, मार्केट में तो बहुत अच्छा दृश्य।